क्या आपसे गलतियां होती हैं स्टेज पर? एब्सोल्युटली यस, अगर होती है तो किस तरह की गलती? सुरों में किस तरह की गलती पे बाद में आता हूँ, आप इतना बताइए कि गलती होती है तो क्या क्या होती है, एंड देन आई वांट टू डीप डाइव ऑन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मिस्टेक। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। किस टाइप की? बहुत सारी टाइप की। पहले तो हमको ये डिफाइन करना है कि गलती होती क्या है। गलती क्या होती है, लेट्स फर्स्ट डिफाइन दैट, क्योंकि हर क्वेश्चन को हम फिर उस तरीके से हम आंसर कर पाएंगे। व्हाट डू यू, व्हेन यू से एन एरर, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? जो आपने इंटेंट किया था। करेक्ट, ब्यूटीफुल, दैट इज बिल्कुल ठीक है। गलती एक्चुअली अराइजेस फ्रॉम इंटेंट। मेरा इंटेंट क्या था? अगर उस इंटेंट पे मैं खरी ना उतर पाई, वो गलती है। तो बहुत सारी गलतियां ऐसी होती हैं जो समझ में भी नहीं आती ऑडियंस को, क्यों? क्योंकि उनको मेरा इंटेंशन नहीं पता, ठीक है। तो वो वाली गलतियां ज्यादा होती हैं। और जो समझ आने वाली जो गलतियां हैं, उसी वही तो जर्नी है कि उसको कैसे कम करें। मतलब रियाज से वो कम होती है। इंटेंट वाली जो गलतियां होती हैं वो तो ह्यूमन एरर्स हो गई, क्योंकि आप उस दिन के लिए आपने, इट्स लाइक विराट कोहली अगर डक पे आउट हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे? गलती, मिस्टेक ही कहेंगे, सिन नहीं कह सकते। या वो उसके ब्रिलियंस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता, क्यों? क्योंकि एक सर्टेन एक्यूरेसी की वजह से, कि भाई अगर उसने 200 मैचेस खेले हैं तो उसमें एक मैच में एक पर्टिकुलर दिन उसके साथ नहीं था। आर्टिस्ट लाइक दैट, राइट? वी आर ऑल ह्यूमन, वी कैन। तो वो वाली गलतियां होती हैं, होने देते हैं, टूअर इज ह्यूमन, कोई लोड नहीं है। इस स्टेट में मैं अभी तक कंप्लीटली नहीं हूं, बिकॉज देन आई एम गोइंग टू बिकम डिवाइन, और दैट्स व्हाट कीप्स मी मोटिवेटेड कि नहीं करना, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, होनी तो नहीं चाहिए। इसीलिए तो रियाज है, इसीलिए इतना सारा लोड ले रखा है जिंदगी में कि सब कुछ जो है वो कन्वर्ज होना चाहिए, ब्ला 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 एंड ऑल ऑफ दैट। सो हां, तो यहां मैं टेक्निकल गलती की तो बात भी नहीं कर रहा कि कोई कुछ कोई सुनने लगा, कुछ होता ही नहीं। हां हां ऑब्वियसली, एंड हमारे में तो और ज्यादा होने के उसमें चांसेस है। इसीलिए ये आर्ट, क्लासिकल संगीत जो है, इट्स एन इम्प्रोव आर्ट। यानी क्या? आप एक ट्रैक पे निकल रहे हो, ट्रैक प्लान नहीं कर सकते आप। एक रोड मैप हो सकता है आपके हाथ में, लेकिन प्लान नहीं कर सकते आप ट्रैक। तो ये वो, वा, वा, क्या एग्जांपल है? ये वो जर्नी है, क्लासिकल संगीत वो जर्नी है। रियाज कैसे करते हैं? यानी कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्पॉन्टेनिटी, व्हिच इज एन ऑक्सीमोरन। स्पॉन्टेनिटी के लिए प्रिपेयर फॉर स्पॉन्टेनिटी, हाउ कैन यू डू दैट? बाय गेटिंग इनटू एज मेनी स्पॉन्टेनियस सिचुएशंस एज पॉसिबल। सो दैट इज व्हाई रियाज जो टर्म है वो बहुत बहुत कैजुअली हम यूज करते हैं। रियाज इज नॉट प्रैक्टिस, इट इज अ लॉट मोर देन दैट। सो वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन ऑन दैट ऑन अ डिफरेंट डे, बिकॉज आई कैन स्पेंड ईयर्स टॉकिंग अबाउट वॉट अ रियाज प्रोसेस इज एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड प्रैक्टिस। करेंगे, पक्का से करेंगे, डेफिनेटली, बिकॉज इट इज प्रेपरेशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, व्हिच इज एन ऑक्सीमोरन, व्हिच इज एन ऑक्सीमोरन, एंड येट इट हैज रूल्स, एंड दोज रूल्स आर वेरी वेरी डिटेल्ड, बहुत बारीक हैं वो रूल्स, और उन रूल्स के अंदर वो रूल ये है कि वो रूल कैसे ब्रेक किया जाए, कैसे उसमें अमेंडमेंट लाया जाए। ब्रेक नहीं, अमेंडमेंट इज अ डिफरेंट वर्ड फॉर, यानी क्या? कॉन्टेक्चुअलाइज किया जाए। आज ये रूल है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन करता है ना, इट्स लाइक दैट। लॉ एंड ऑर्डर में कुछ चीजें डायरेक्टिव हैं, लेकिन विथ कॉन्टेक्स्ट एक वर्डिक्ट बदल सकता है। कॉन्टेक्स्ट क्या था? क्योंकि हर बार वो एक नया सिचुएशन है। तो क्योंकि फलाने केस में ये हुआ था तो इस केस में ये नहीं। आप उसके एग्जांपल्स, इसीलिए जो लॉयर्स होते हैं वो ये केस इन 1921 ब्ला ब्ला ब्ला, केस इन 1935 ब्ला ब्ला ब्ला, फिर सब कुछ करके लास्ट में एक वर्डिक्ट आएगा, वो बिल्कुल इन दोनों, इन 50 एग्जांपल से अलग होगा। तो दैट इज वो क्लासिकल संगीत है, कि आप एक ट्रैक पे निकल रहे हो जिसका रोड मैप आपके पास है, लेकिन आपको नहीं पता, एक्सीडेंट हो सकता है, मर सकते हो आप उस दिन। दैट कुड बी योर लास्ट ट्रैक। वाह,